है साहब मीना सती, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं सफारी में, फैमिली के साथ टाइगर्स एंड टाइगर्स के कब्स देखने के लिए। हम लोगों ने जंगल सफारी बुक करी है और हम लोग कॉर्बेट के जंगल में जा रहे हैं गर्जिया गेट से। रामनगर में बहुत ही सुंदर कॉर्बेट का जंगल है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ। हम जा रहे हैं गर्जिया गेट से, ये नया गेट खुला है कॉर्बेट में। बहुत सारी भीड़ है, देखिए अभी तक धूप नहीं थी बट अब धूप आ गई है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। वाओ, जंगल की बाकी डिटेल्स आपको ड्राइवर भैया देंगे, हमारे गाइड। गाड़ी में गिर जाएगा तो मिल जाएगा, अगर बाहर गिरेगा तो मिल जाएगा। अच्छा, विशेष ध्यान रखना। रूल्स है हमारे यहाँ पे जो फॉलो करने होते हैं। किसी भी कंडीशन में यहाँ पे गाड़ी शो करना अलाउड नहीं होता। ओके, कोई भी रैपर गार्बेज आपके पास है तो उसको आउटसाइड में फेंकेंगे, गाड़ी में डाल देंगे। कोई भी एनिमल आपको दिखता है तो ज्यादा लाउड की बात नहीं करना और एक दूसरे को इशारे से बताएंगे ना। ओके, एनिमल जो होता है वो हमारी आवाज का यूज ही नहीं होता है। कई बार डर करके भाग जाता है और कई बार डर करके अटैक करता है। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों का निशान है, अगर वो डर करके भाग जाएगा तो वो भी दिखेगा, अगर डर करके अटैक करेगा तो हम भी दिखेंगे ना। ओके, पूरा जो जंगल है हमारा वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ना। पूरे 1300 स्क्वायर किलोमीटर में जो मिडिल का 80% एरिया है वो फोर एरिया है, जिसमें किसी भी प्रकार का टूरिज्म नहीं होता। ऑनली 20% एरिया बाहर का ये हमारे लिए टूरिज्म जो है, तो इस 20% में हमारे पास 8 गेट है, 8 गेट है अलग अलग। इसमें से 6 गेट रामनगर की तरफ से पड़ते हैं और 2 गेट पड़ते हैं आपके कोटद्वार से। तो कोटद्वार से जो गेट है वो पाखरो एंड वतनवासा, और रामनगर से जो है वो है ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, दुर्गा देवी एंड आपका गर्जिया। ये गर्जिया अभी अभी नया खुला है जी, हाँ अभी से 1.5 साल हो रहा है यहाँ पे बने हुए। और बाकी जंगल तो खैर आपको बताइए पुराना है। तो जितना भी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे सब नेचर में सर्वाइव कर रहा है। किसी भी एनिमल के लिए कोई फीडिंग अलाउड नहीं है, किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो नेचर को जो है कि नेचर के हाल पे छोड़ा गया ना। और यहाँ पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो 250+ के आसपास टाइगर है, 1000+ के आसपास एलिफेंट्स है, 50-60 के आसपास बियर है और 110 के आसपास लेपर्ड है और 40,000+ डियर है। तो इसीलिए हम लोग ये ओपन गाड़ी में घूम पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्निवोरस के लिए बहुत कुछ है खाने के लिए, इसे खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आजकल जो आप देख रहे हैं कि आजकल ठंडियों का टाइम है तो विंटर्स में क्या होता है कि फॉरेस्ट आपका थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसलिए आपकी विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है। और पानी हर जगह अवेलेबल होता है, जो नेचुरल वाटर सोर्सेस हैं वो सारे ड्राई होते हैं गर्मियों में। अभी क्या है कि सारे रिचार्ज रहते हैं। तो अभी यहाँ क्या वाटर का क्या है, मतलब यहाँ से कहाँ से पानी है? यहाँ पे नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, मॉनसून रिवर बेड के नाम से जो जाने जाते हैं या छोटे मोटे स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। और आर्टिफिशियल वाटर हाउस भी बनाता है डिपार्टमेंट। अच्छा, इसका यूज होता है गर्मियों में जब ये नेचुरल वाटर सोर्सेज ड्राई हो जाते हैं तो फिर उस पर डिपेंड रहता है एनिमल। तो यहाँ बर्ड्स वगैरह भी है कुछ? जी हाँ, यहाँ पर 600 स्पीसीज बर्ड्स की पाई जाती है। तो ऑल इंडिया में समथिंग 1200+ है समथिंग, बाकी पूरी भारत की आधी बर्ड्स यहाँ पे मिलती है। वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे आपका डियर, मंकी, लंगूर ना ये आपको मिल सकते हैं। बाकी बड़ा एनिमल जो होता है वो बोनस होता है क्योंकि नेचर में सर्वाइव कर रहा है तो किसी भी एनिमल्स का कोई फिक्स स्पॉट या डेन पॉइंट वगैरह नहीं है। पूरे फॉरेस्ट की कोई फेंसिंग या वॉल नहीं की गई है ना, पूरा ओपन है। यहाँ से लेके हरिद्वार भी एनिमल निकल सकता है, खासतौर पर हाथी की अगर हम बात करें तो हाथी बहुत लंबा माइग्रेशन है। अच्छा, हाथी यहाँ से लेके नेपाल तक भी मूवमेंट कर जाता है, तो पूरा जंगल तो लगा हुआ है। हाथी टाइगर को ढूंढने के यहाँ पे दो तरीके हैं, जैसे कोई अलार्म कॉल्स वगैरह होती है, जैसे हर्बी बोनस होता है, जैसे आपके सिटी टाउन में होता है ना, जब कोई मंत्री निकलता है तो उसका प्रोटोकॉल कितना एक्टिव रहता है, तो बहुत सारे साइरेंस बजते हैं। तो ऐसे टाइगर दिखता है तो जी जी उसी तरीके से जाएगी, यहाँ का राजा जब एक्टिव होता है तो प्रजा को भी एक्टिव होना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं अलार्म कॉल। अलार्म कॉल होने पे हम लोग वेट करना होता है, वेट 5 मिनट का भी हो सकता है और आधे एक घंटे का भी होता है अलार्म कॉल। बाकी कोई ट्रैफिक ऑप्शन मिलता है, बट अभी से बारिश हुआ है तो मिट्टी थोड़ा हार्ड है, इसलिए पंजे मिलना थोड़ा टफ है। तो यहाँ कल परसों में कुछ दिखा है या? हाँ, परसों दिखा था यहाँ पे टाइगर। वैसे तो अब क्या होता है ना कि हम लोग तो
डिफरेंट डिफरेंट गेट्स पे जाते हैं ना, छह गेट है आज यहाँ, आगे कल को किसी और गेट पे चलेंगे। लगभग लगभग 30 गाड़ियां जाती है, तो एक दो गाड़ियों को कई बार दिख जाता है, और बाकी कहीं पर बैठा है ज्यादा टाइम के लिए तो वहाँ पे फिर ज्यादा गाड़ियों को दिख जाता है। लक पे ऊपर है कि लक जिसका हाथ कैसा लक। बाकी आपको फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझसे कर सकते हैं। आप लोग खड़े होना चाहे खड़े भी हो सकते हैं। अच्छा, कहीं पर आपको कुछ लगता है तो आप गाड़ी भी जा सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बिल्कुल भी होती है। ये जो आपको बड़े बड़े ये पेड़ दिख रहे हैं, ये साल के पेड़ हैं। 65% जो है ये साल के पेड़ से कवर है कॉर्बेट। और हम लोग जो ये गर्जिया वाला गेट है, इसमें थोड़ा सा हिल वाला एरिया है, तो इसमें थोड़ी सी नया गेट है, तो थोड़ी सी रोड छोटी सी है। पूरा ट्रैक बहुत नैरो है और ट्रैक अभी इतना सही नहीं है, बट मज़ा आ रहा है हम लोगों को। बहुत घना जंगल है, ठंड बहुत हो रही है क्योंकि धूप भी आ रही है। नीचे देखिए थोड़ी सी रिवर दिख रही है, हम शायद उधर ही से क्रॉस करेंगे हम लोग। व्हाट अ व्यू, सी मजा आ रहा मुस्कान बहुत। हाउ डू यू फील मिस्टर सचिन सती? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और काफी लड़ाई झगड़ा करने के बाद तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ। समय लगा अपनी हिम्मत जुटाने में, मगर बहुत मजा आ रहा है। पूजा सती जी आप कुछ बोलेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा हो रहा है बहुत। अभी यहाँ पर सिंगल ट्रैक है ये, बट आगे जाके थोड़ी सी रोड थोड़ी बड़ी है। अब हम रिवर क्रॉस करने वाले हैं। ये है मॉनसून रिवर बैंक, यहीं पे सारे जो एनिमल्स हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। ये पीछे रामगंगा पे मिल जाता है। और ये है रिवर बेड, मॉनसून रिवर बेड। काल फिल्म की शूटिंग भी इसी जंगल में हुई है, देख लीजिए कॉर्बेट के जंगल में ही काल फिल्म की शूटिंग हुई थी। जॉन अब्राहम और अजय देवगन स्टारर फिल्म आपने देखी होगी। आप देख सकते हैं छोटा सा डियर दिख रहा है यहाँ पर, बार्किंग डियर, छोटा सा बेबी है बार्किंग डियर का। चलिए स्टार्टिंग हो चुकी है, होप कि आगे हमें कुछ और एनिमल्स भी दिखें। ये हमें दिखा स्पॉटेड डियर, वाओ सो लवली, क्यूट से लग रहे हैं दोनों, आई थिंक ये पेयर हैं। ये देखिए टाइगर के पंजे, आई थिंक टाइगर इधर से आगे की तरफ को गया है। बहुत बड़े पंजे आ रहे हैं। ये दीदी क्या नहीं, चलो हमें टाइगर चाहिए। अभी अभी गया है क्या? अभी अभी गया है। ये वही है मानसून रिवर,
अच्छा बारिश पे डिपेंड है। हाँ। तो बारिश में ये भर जाता होगा पूरा। हाँ, बारिश में भर जाता। ये स्पॉटेड डियर, ये झुंड में रहते हैं और देखिए सब मेल एंड फीमेल दोनों हैं। देखो देखो डियर तो देख ले वहाँ कितने सारे हैं। तो डियर तो है वो, देखो डियर नहीं। कॉर्बेट की एक खासियत है यहाँ के जंगलों की, यहाँ स्पॉटेड डियर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप डियर लवर हैं तो ये प्लेस आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए छोटे छोटे बेबी भी हैं पूरे झुंड में। तो ये क्या चीज है? मतलब नेचुरल है? अच्छा टाइगर का स्विमिंग पूल है वो। अच्छा चोट लगी है, फिर लगी। कितना मस्त है ये, घास भी कम है। बहुत ऊंची ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है, पेड़ सूख जाता है जंगलों में। ये फूल ताल चौड़ एरिया है और इसी को बोलते हैं फूल ताल। देखिए आपको आगे एक ताल सा नजर आएगा, पॉन्ड, बहुत बड़ा पॉन्ड है। और ये सारे के सारे जामुन के पेड़ हैं। हमें एक सांभर, दो सांभर हैं एक्चुअल में, बड़े बड़े से। उधर देखो, उधर टू है, टू लेपर्ड भी देख लेना। देख लिया जो पेड़, हाँ, पेड़ के ऊपर ऊपर जो पेड़ है ना। इतने सारे डियर हैं यहाँ पर। टाइगर्स तो हमको एक भी नहीं दिखा, बट स्पॉटेड डियर, सांभर और वाइल्ड पिग, ये हम लोगों ने बहुत सारे देखे। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार ट्राई करेंगे, देखिए हमें टाइगर दिखता है कि नहीं। सो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।